वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com और मैं हूं कुमार संभव जैन। सोशल मीडिया पर बच्चों के पॉर्न वीडियो फॉरवर्ड करना पहले से ही पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की कैटेगरी में था, लेकिन अब आप चाइल्ड पॉर्न देखते हुए पकड़े गए तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत आपको 5 साल तक जेल में भी रहना पड़ सकता है। क्या है ये मामला, कैसे तय होगा सजा का प्रावधान, किन राज्यों में काम करेगा ये कानून, जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने 2 दिन पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 61 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल हैं। आरोप है कि ये सभी लोग काफी समय से फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्न से संबंधित वीडियो व फोटो शेयर कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को इस संबंध में काफी ज्यादा शिकायतें मिली, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई थी। जानकारी के मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर पॉक्सो एक्ट सख्त बनाया जा चुका है, लेकिन इस तरह के मामलों में अब आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। आईटी एक्ट में इसके लिए सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में यदि आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कंटेंट रखा है या आप ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं तो आपको 5 साल तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। आपको बता दें, साल 2000 से आईटी एक्ट की धारा 67B में यह प्रावधान है, लेकिन गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल से यह ज्यादा असरदार हो गया है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने 2018 में cybercrime.gov.in के नाम से एक पोर्टल शुरू किया था। इसमें सभी राज्यों के पुलिस अफसरों को नोडल अफसर बनाया गया था। दिल्ली में गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम नोडल अफसर अन्येश राय हैं, जो दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट के DCP भी हैं। गृह मंत्रालय के इस पोर्टल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप या गैंगरेप से संबंधित कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ शिकायतें की जाती हैं। इस पोर्टल का मकसद इस तरह के वीडियो और तस्वीरों पर रोक लगाना है। माना जाता है कि नाबालिगों के साथ बढ़ रही वारदात के लिए यही कंटेंट जिम्मेदार होता है। मान लीजिए आप सीधे पुलिस में कंप्लेंट करने से बच रहे हैं तो आप इस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप अपनी पहचान बता या छिपा सकते हैं। पहचान छिपाकर कंप्लेंट करने पर आगे का स्टेटस पता नहीं चलेगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप या गैंगरेप की कैटेगरी भरने के बाद नाम पता बताना होगा, जिसे पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। उसके बाद जिस शख्स के मोबाइल नंबर या यूनिट रिसोर्स लोकेटर के खिलाफ कंप्लेंट करनी है उसकी जानकारी देनी होगी। आप जिस राज्य में रहते हैं वहां से नोडल एजेंसी को आपकी कंप्लेंट भेजी जाएगी। कंप्लेंट को वेरीफाई करने के बाद संबंधित पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पुलिस को ट्रेंड कर रहे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट अमित मल्होत्रा बताते हैं कि अगर किसी के फोन में 18 साल से कम उम्र के बच्चे का अश्लील कंटेंट पाया जाता है तो वह भी इस धारा के दायरे में आ जाएगा। फोटो या वीडियो स्टोर करना भी अपराध के दायरे में है। कानून कड़ा है। बच्चों को सेक्सुअल एक्ट या न्यूड दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई भी चीज़ प्रकाशित करना या दूसरे को भेजना गैरकानूनी है। जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठी करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं या दूसरों के साथ लेनदेन करते हैं, वह भी अपराध के दायरे में आएगा। बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, MMS बनाना, दूसरे को भेजना भी इसके तहत आता है। यहाँ बच्चों से मतलब है 18 साल से कम उम्र के लोग। आईटी एक्ट 2009 की धारा 67B, IPC की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत अपराध में 5 साल की जेल या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी बार अपराध करते पकड़े जाने पर 7 साल की जेल या 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरीके के बाकी वीडियो देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।